केंद्र सरकार ने विकट समय में आम जनता के कल्याण के लिए जो अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पंचायती विभाग के अफसरों और पंचायतों में तैनात सचिव और रोजगार सहायकों की मिलीभगत से अमृत सरोवरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां भिंड जिले छुंछरी पंचायत में 80 लाख में बने अमृत सरोवर बांध पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड जिले के छुंछरी बिंडवा पंचायत में 82 लाख रुपए से बनने वाले तालाब पर 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि कागजों में इसको पूर्ण बताकर राशि हड़प ली गई। अब इस मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश कुमार गोमे जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। ये बिंडवा ग्राम पंचायत जो है, इसमें अमृत सरोवर दो तालाब बने हैं। एक तालाब है लगभग 82 लाख का, जिसमें 50 लाख रुपया खर्च करना बताया है प्रथम दृष्टया, और काम अभी अपूर्ण है और काम की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, जैसा कि आपके पास जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ दिखाए गए हैं। और एक और तालाब जो है 13,42,000 का है और वो भी कार्य अपूर्ण है। इन दोनों कार्यों के लिए हम अभी बी स्तर के दो अधिकारियों को भेज के और दोनों का फिजिकल वेरिफिकेशन और प्लस डॉक्यूमेंट्री क्या हुआ है, ये सारी चीजें निकाल के हम क्लियर करेंगे। एकाधिक दिन में इस पर जो भी होगी वो कठोरतम कार्रवाई जो होगी, अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो संबंधित होकर कार्रवाई सुनिश्चित। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार के पैसों में सेंधमारी करने वाले आरोपियों पर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भिंड।